रेन स्टॉर्म वगैरह आया था तो लाइट नहीं थी, तो यहाँ से चल रहे हैं आज सुबह। वो था कि आपको परमिट के बारे में बता दूँ, वो जरूरी था क्योंकि यहाँ मैं ही नहीं अकेला, बहुत से लोग हैं जो भी आ रहा है वो सीधा डीसी ऑफिस जाता है परमिट लेने के लिए। ये है जी बिल्कुल सामने ले की मार्केट के बिल्कुल एंड में ले की मेन मस्जिद आप देख सकते। मॉर्निंग, तो ये था हमारा होम स्टे, रात को तो लाइट गई हुई थी, अभी भी नहीं है यहाँ पर ट्रैफिक का भी, रात को रेन स्टॉर्म वगैरह आया था तो लाइट नहीं थी, तो यहाँ से चल रहे हैं आज सुबह, आज बच गए हैं और निकलेंगे हम, पहुँचेंगे आज पहले सीधा SDM ऑफिस और वहाँ से परमिट लेंगे, उसके बाद फिर कोई होटल हॉस्टल लेके फिर आज रेस्ट करेंगे और यहाँ से निकलेंगे। ये हैं साथी, ये भी जीरकपुर से में चंडीगढ़ से ही मेरे साथ हो गए हैं, साहिल नाम है, साथ में है जगवीर भाजी दिल्ली से हैं, अब हम तीन राइडर हो गए हैं, तो देखते हैं क्या क्या कवर होता है, बाकी जो होगा जहाँ से फिर अलग हो जाएंगे फिर सोलो तो हो गई, तो आज ले में घूमेंगे, उसके बाद अगर ज़्यादा कुछ हुआ तो मैं बैठ के एडिटिंग करूँगा क्योंकि पिछले ब्लॉग मेरे सारे काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, तो आज दो तो मैं शेड्यूल करूँगा, तो मिलते हैं फिर आपसे आगे SDM ऑफिस में। हो चुकी है जी आज के सफ़र की शुरुआत और हम बढ़ चले हैं अपनी मंजिल की ओर जो है लेह। आज हमारे सफ़र की शुरुआत हमारे उपशी होमस्टे से हुई है और अभी बजे हैं सुबह के 8। ये है खूबसूरत उपशी विलेज के आसपास के नज़ारे। उपशी लेह से 48 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में आएगा करू। अगर आप लेह मनाली हाईवे पर आ रहे हैं तो मनाली के केलोंग के बाद सीधा जो पेट्रोल पंप है वो आपको करू में मिलेगा, इसलिए आप केलोंग से अगर फिल करवा कर आएंगे तो बढ़िया रहता है और साथ में कैरी भी कर सकते हैं। उपची और करू छोटे छोटे से वे कस्बे हैं और इनके बाद जो बड़ा शहर है वो लेह है, जहाँ पर आपको हर तरह का सामान और सर्विसेज मुहैया हो जाए। ये आप देख सकते हैं सुबह के नज़ारे, कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीला आसमान और सफ़ेद बादल। आज का हमारा सफ़र इस पूरी ट्रिप का सबसे छोटा सफ़र होने वाला है क्योंकि हम सिर्फ आज लेह तक जाएंगे और वहीं रेस्ट करेंगे, इसलिए हम सुबह चल पड़े हैं क्योंकि सबसे पहले हम जाएंगे DC ऑफिस। जैसे कि आप जानते हैं लेह में आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होती है, इनर लाइन परमिट पर भी आप हर जगह नहीं जा सकते, कुछ स्पेसिफिक जगहें जैसे सियाचिन और हुंदर कोमिंगला और ऐसी जगहों पर जाने के लिए आपको स्पेशली अपने परमिट पर DC ऑफिस से स्टैंप लगवानी पड़ती है, इसीलिए हम सीधा आज DC ऑफिस जाएंगे। अभी 8 बजे हैं और हम 1-1.5 घंटे में लेह पहुंच जाएंगे और सीधा DC ऑफिस से परमिट लेकर आज अपने हॉस्टल या होम होटल जहां भी रुकेंगे वहां पर स्टे करेंगे। वैसे भी आपको अकमलटाइज होने के लिए 1-2 दिन का समय लगता है और वही हम लेह में रुकेंगे। मैं अगर कुछ लोकल घूमना होगा वो घूमेंगे और लेह मार्केट अगर हुआ सका तो आपको दिखाएंगे और बाकी अपनी एडिटिंग करूँगा बैठकर। चूल्हे आपका स्वागत है लेह में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं लेह, आप सुबह के मॉर्निंग का नज़ारा देख सकते हैं लेह का। ये लद्दाख पूरे रीजन का सबसे बड़ा शहर है और उसकी कैपिटल भी, इसीलिए इतना ही भीड़ और चहल पहल है। तो अभी हम सीधा बढ़ रहे हैं DC ऑफिस की तरफ और फिर आपसे मुलाकात होगी वहां से आने के बाद, परमिट के लेने के बाद। हाँ जी, तो अभी हम पहुंच गए अपने हॉस्टल। रास्ते में मैं आपसे बात कर रहा था कि हम जा रहे हैं सीधा DC ऑफिस, क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही थी भी, जैसे लास्ट टाइम मैंने अपना परमिट ऑनलाइन लिया था लेकिन उसमें हानले और उमिंगला नहीं होता, आपको उसके लिए स्पेशल लेना पड़ता आकर, लेकिन इस टाइम मैं आया हूँ तो हम सीधा DC ऑफिस गए थे। वहाँ जाकर पता लगे कि अब जो है इंडियंस के लिए वो भी ऑनलाइन मिल रहा है और आपको अगर आपको हानले मिल गया है आपने सेलेक्ट किया तो आपको उमिंगला के लिए ज़रूरत नहीं है कुछ एक्स्ट्रा लेने की, वही चलेगा। इसलिए फिर हम आ गए, फिर हमने ऑनलाइन कर दिया वहीं पर खड़े हुए और उसके बाद आ गए हम अपने हॉस्टल। ये आप देख सकते हैं, ये है जी मेरा हॉस्टल, बंक बेड्स लगे हुए हैं, पूरा नीट एंड क्लीन है। अभी थोड़ा हमने सामान अपना खिला दिया, अभी खाली भी है क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है और लोग जो आएंगे भी वो इवनिंग में आएंगे, जो हैं लोग रुके हुए वो घूमने गए हुए हैं और जो
जिन्होंने लिया हुआ है वो घूमने गए, जो आएंगे बाकी राइड करते हैं वो सब नाइट में आएंगे। नाइट में ही अगर फुल होगा तो वैसे खाली है और 300 ओनली हमारे पास, 350 है, हमें 300 लगा क्योंकि मैं कोई जानता था पहले, तो 350 में ये है हॉस्टल पर बेड। और यहाँ रुके हैं तो आज तो अभी यही है, बाकी जाएंगे लोकल में थोड़ा, अभी मैं रुक के थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ और साथ में एडिटिंग करूँगा, आराम करूँगा। फिर इवनिंग में निकलेंगे थोड़ा ले मार्केट, और कहीं घूमना होगा तो वो भी घूमेंगे और ले मार्केट आपको दिखाएंगे। लास्ट टाइम मैं ले मार्केट नहीं गया था क्योंकि सोलो था, इस बार हैं साथ में दो तीन, तो जाएंगे फिर ले मार्केट इवनिंग में, वो आपको दिखाएंगे। तो अभी मिलते हैं आपसे बाद में। मेरे को था कि आपको परमिट के बारे में बता दूँ, वो जरूरी था क्योंकि यहाँ मैं ही नहीं अकेला, बहुत से लोग जो भी आ रहा है वो सीधा डीसी ऑफिस जाता है परमिट लेने के लिए, क्योंकि वो सब में ही पहले सब यही होता था आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है हानले, और लास्ट टाइम आया था तब भी ऐसे ही हुआ था। तो इस बार वो कर दिया, अब इंडियन को के लिए खोल दिया हानले और मिंगला, आपको जरूरत नहीं, आपने हानले के अगर सेलेक्ट किया तो आप मिंगला जा सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें, अब आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं और सीधा आपको परमिट यहाँ आने की जरूरत नहीं, परमिट ऑनलाइन ही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इवनिंग में। तो अभी ले मेन मार्केट में, लास्ट टाइम मैं आया था तो मैं मेन मार्केट नहीं आया था, तो अभी आपको ले मार्केट भी दिखा देते हैं, तो फिर साथ में ब्लॉग भी हो जाएगा। आगे चल के दिखाऊंगा, ये वेलकम G20 था, ये ले आई लव ले नहीं था, वो आगे दूसरी साइड होगा वो भी दिखाऊंगा। बाकी ये है इसकी मेन मार्केट, ये स्ट्रीट है माल रोड, इसकी दोनों तरफ कैफेज और रेस्टोरेंट बने हुए हैं आप देख सकते हैं। तो बस आज सारा दिन यही स्पेंड किया, ज़्यादा कहीं गए भी नहीं घूमने, तो मैंने कहा चलिए अब इवनिंग में, सारा दिन मैं व्लॉग एडिट कर रहा था तो मैंने कहा चलो अब इवनिंग में जाके थोड़ा मार्केट भी दिखाते हैं। काफ़ी 6 दिनों से अकेले अकेले घूम रहे हैं और थोड़ी सी भीड़ भाड़ भी देख लेते हैं। तो ये है जी, वैसे तो 8 बज गए हैं, 9 बजे के करीब बंद भी होने लग पड़ती है। ये अजी बस इतनी सी माल रोड है, एक और इसकी घूम के निकल जाएंगे, ऐसे ही थोड़ी सी गली है, यही है लेक की मेन मार्केट की रोड। और ये तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ मार्केट बनी हुई है, सामने आ गया लेक का कुछ पैलेस है या कुछ है, मुझे इतना एग्जैक्ट नहीं पता। और बस यही है ले मार्केट, ले मार रोड लोगों के लिए बहुत फेमस है, हमारे लिए वैसे कभी भी नहीं रहे। मैं मनाली भी बहुत कम जाता हूँ, इस बार अगर वापस गए मनाली तो आपको दिखा दूँगा। बाकी मुझे तो नेचर में थोड़ा शांत सा अच्छा लगता है, ये तो अब काफ़ी दिनों से 5-6 दिनों से अकेले घूम रहे हैं, तो इसलिए आ गए, साथ में दोस्त थे उन्हें आना ही था, तो मैं भी सुबह से अंदर ही बैठा था, एडिटिंग वगैरह कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ये भी देख आते हैं। तो बस यही थी ले मेन मार्केट, और बाकी अब यहाँ से जाएंगे, डिनर वगैरह करेंगे और थोड़ा एडिटिंग फाइनल करके ब्लॉग डाल के मैं सो जाऊँगा, कल हमें सुबह निकलना है नूपुरा के लिए। आगे देखते हैं अगर सियाचिन का अलाउ कर दिया तो सियाचिन भी जाएंगे ग्लेशियर कैंप के लिए, नहीं किया तो फिर नूपुरा रुकेंगे, फिर पनामिक भी नहीं शायद मैं जाऊंगा अगर सियाचिन का नाम मिला तो। हेलो, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रिजवान शबीर अहमद। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम ले। ले? या। यस, आई एम अ यूट्यूबर। और आपका चैनल कौन सा है? सर्वोत्तम ब्लॉग। करोगे सब्सक्राइब? थैंक यू। हाँ ठीक है, चलो आप सब भूल गए मैं। सर्वोत्तम ब्लॉग ब्लॉग। तो जी ये बच्चे थे, आप यूट्यूबर बने कहा, तो बस पूछ रहे थे, लोकल थे, अच्छा लगता है बच्चों से बातें करना। ये है जी बिल्कुल सामने ले की मार्केट के बिल्कुल एंड में ले की मेन मस्जिद, आप देख सकते हैं जामिया मस्जिद ले, और इधर है ले मार्केट का बाकी हिस्सा। ये एल शेप में है, आप दोनों तरफ देख सकते हैं ऐसे बनी हुई है, एल शेप में है, और ये दोनों तरफ बस मार्केट, ये माल रोड है छोटी सी दोनों सा, और दोनों तरफ इसके रेस्टोरेंट्स हैं, और ऊपर से वो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं सामने रोड है, ख़त्म हो जाती है, यही इसकी मार्केट है। शॉपिंग आप कर सकते हैं अगर आपको शौक है, मुझे शॉपिंग वॉपिंग का कोई शौक नहीं है खास, और ना ही मैं ये सोवेनियर कोई इकट्ठे करने का शौक है। एक मिनट, तो बाकी इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त। साथ में बच्चा ये भी कर रहा है ब्लॉग के लेने आया, बाकी अब ये ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर समाप्त, से मिलते हैं कल नए सफर पर।